महासमुंद जिला के सरईपाली विकास खंड अंतर्गत रसोईया संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने मिलकर हड़ताल शुरू किया है, काम बंद कर दिए हैं और हड़ताल पर बैठ चुके हैं। रसोईया संघ के पदाधिकारी 3 सूत्री मांग की बात कर रहे हैं। उनका कहना है सही समय पर उन्हें वेतन नहीं दिया जाता और जो वेतन दिए जाते हैं वह इतना कम है, उससे परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा है। देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, इतने कम वेतन में घर चला पाना मुश्किल हो गया है। देखिए हड़ताल को लेकर रसोईया संघ के लोग क्या कह रहे हैं। साहू है, अगर साहू मैडम बताएंगे क्या मांगे हैं आप लोग आज जो है धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का धरना ये है कि हम लोग रसोईया संघ से हैं और हमारे मांग ये है कि कलेक्टर दर पर हमको मानदेय दिया जाए। इसी से हम आज से हमारी ये क्या बोलते हैं धरना को शुरू किए हैं और जितना दिन तक हमारे मांगे पूरी नहीं होती है उतना दिन तक हम इस स्थल पर ये धरना को जारी रखेंगे। अच्छा मटरी साहब बताएं, हमारी मांगे हैं राज्य सरकार से कि हमको मानदेय कलेक्टर दर में दिया जाए और हमारे रसोईया भाई लोगों को जो निकाल बाहर कर रहे हैं उसको बंद किया जाए और 1500 रुपये में हमारी रोजी रोटी नहीं चलती है। हमको कलेक्टर दर से मानदेय दे के अपना परिवार को आगे बढ़ाना है भाई, और राज्य सरकार से लेना है। सरकार नहीं सुनेगी, हम लोग आंदोलन में बैठे रहेंगे और अपना हड़ताल जारी रखेंगे। उपेश बघेल, रसोईया संघ जिंदाबाद, कलेक्टर दर पर भारत माता की जय, रसोईया संघ जिंदाबाद, रसोईया संघ जिंदाबाद। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।